भंडारा जिला चावल के लिए मशहूर है और यहाँ धान की फसल ली जाती है जिस पर यहाँ का किसान निर्भर है। और इस बार तालाब में काफी मात्रा में पानी होने से धान के लिए पानी देने का आश्वासन दिया गया था सरकार की ओर से, लेकिन सभी किसानों को पानी देना असंभव था। इसीलिए भंडारा में हुई सभा में गेहूं, चना, मूंग ऐसी फसलों को पानी देने का निर्णय विधायक की मौजूदगी में लिया गया, जहाँ जिले के अर्थ सभापति धर्मेंद्र तुरकर भी मौजूद थे। चांदपुर जलाशय का जो पानी था उसके लेकर सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, जहाँ पे विधायक कार्यमोरे भी मौजूद थे। तो क्या कुछ हुआ, वो मीटिंग में क्या निर्णय हुआ? इसके पहले शिवरा ऑफिस में उप विभाग में मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ पे सभी किसान आए थे और पानी देने का आरबीसी को निर्णय हुआ था और एलबीसी के भी किसानों को किसी किसानों की मांग थी जहाँ पानी नहीं पहुँचा था, तो वहाँ पे पानी देने का निर्णय हुआ था। और ये भंडारा ज़िला है, भंडारा ज़िले में सबसे ज़्यादा धान होता है और धान होने के हिसाब से धान के लिए पानी देना चाहिए और उसके लिए अपने चांदपुर तालाब में पानी भी पर्याप्त है। लेकिन कल सर्किट हाउस में जो मीटिंग हुई, वहाँ पे जो निर्णय लिया गया कि गेहूँ चने के लिए पानी दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो चांदपुर तालाब की और वो जो कैनालों की स्थिति है वो देखते हुए जो सामने किसान है जिसके किसान में पहले पानी जाएगा, तो चांदपुर तालाब के हिसाब से वो जो गेहूं और चने के लिए जो पानी दे रहे वो सक्सेस नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जो पहले जो है वहाँ दोबारा जो पानी जाएगा तो चना और गेहूं ऐसी फसल है जहाँ ज़्यादा पानी होने से सड़ जाती है, इससे सरासर किसानों का नुकसान है। पानी देने से ना मौजूदा डिपार्टमेंट को कुछ बेनिफिट मिलेगा, ना उस किसान को बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने सबसे पहले जो पानी देने के लिए निर्णय लिए तो किसानों ने ना जवर डाले, ना किसी ने जो अपने यहाँ सरसों रहता है सरसों डाले, तो उससे ये जो निर्णय हुआ गलत हुआ। और ये किसानों को थोड़ा सा पूछ के यदि निर्णय लिए रहते तो बहुत अच्छा हुआ रहता। कल को यदि ये बोले क्या सोयाबीन और कपासी यदि डालो तो क्या किसान सोयाबीन और कपासी डालेंगे क्या? तो ये सरासर जो कल जो निर्णय हुआ